खबर बदायूं जिले से है, जहां दबंगों की दबंगई से परेशान एक किसान ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर उस वक्त आत्महत्या कर लिया जब वह अपनी शिकायत को लेकर एसएसपी से मिलने पहुंचा था, लेकिन उसकी मुलाकात उनसे नहीं हो पाई। किसान की आत्महत्या की सूचना पर एसएसपी ऑफिस में हड़कंप मच गया और गंभीर रूप से झुलसे किसान को आनन फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसकी हालत गंभीर देखते हुए बरेली रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रसूलपुर बिलहरी गांव का है, जहां के रहने वाले किशन पाल नाम के किसान की फसल को कुछ दिनों पूर्व गांव के कुछ दबंगों ने आग लगा दी, जिसकी शिकायत संबंधित थाने पर किए जाने के बाद आरोपियों ने उसके घर पर पहुंचकर बुजुर्ग किसान और उसके परिजनों के साथ मारपीट की थी। इस मामले में कार्रवाई के लिए किसान कई दिनों से पुलिस के अधिकारियों का चक्कर लगा रहा था, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई न होते देख एसएसपी ऑफिस पहुंचा तब भी कार्रवाई नहीं हुई, तो किसान ने आत्मघाती कदम उठा लिया और एसएसपी ऑफिस के गेट पर पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा दी। घटना के बाद एसपी ऑफिस में हड़कंप मच गया और आनन फानन में इसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए बरेली रेफर कर दिया गया। किसान के बेटे का आरोप है कि घटना के बाद से आरोपी उसके परिवार को परेशान कर रहे थे और इस मामले में उनकी फरियाद कहीं नहीं सुनी गई, तो उसके पिता ने आत्मघाती कदम उठा लिया। बताया जनपद से निवेंद्र गुर्जर की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? अमरजीत। कहाँ से आए हो? रसूलपुर से। कौन से थाने से? सिविल लाइन। क्या घटना घटित हुई है? 23 तारीख को मेरे घर में आग लगा दी 11:15। किसने? रामेश्वर और जिन लड़कों ने सामने मिलवा के लगा के दरोगा से बातचीत करके उन्होंने हमारे घर पे सुबह आके 9 बजे मारा। उनने 24 तारीख को खूब मारा, हमारी बहन को मारा, हमारी माँ को मारा। किन्ने दरोगा जी ने? नहीं, उन्होंने मारे जिनने आग लगाई हमारे। अच्छा। घर में कुछ दरोगा तुमने साठ घाट कर दी, उन्हें मारपीट का मुकदमा लिख दूंगा मैं। आज क्या हुआ? आज ये हुआ, मैं सिगरे घुमाया, सिगरे सब कुछ कराया, मेरे कोई नहीं, दरोगा ने झूठी विरचना करके कर दी, उसकी मेरे ऊपर रिपोर्ट है और दरोगा कह रहे मैंने विरचना नहीं करी। फिर आज क्या हुआ? आज पापा मेरे यहाँ कहते कौन थे, कप्तान साहब जी, वो पता नहीं क्या हुआ, कैसे आग लगी, कैसे उन्हें लगाई, मुझे उन्हें इंसाफ ही नहीं मिला कोई। क्या नाम था पापा का? किशन पाल, गांव का प्रधान मुझे मिला हुआ है, उनकी तरफ ही कह रहा है और उसने धमकी दी थी कि 1 महीना रुकते जान से ही मरवा दूंगा, अभी तो घर में घुस के पिटा है। ठीक। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जो दरोगा आता है उसी को खरीद लेते हैं पैसा दे के और झूठी विरचना करके मुझे नहीं दरोगा, मेरे पास बात भी वीडियो, मेरे पास दरोगा करा है, मैंने विरचना नहीं करी है और जो दरोगा की मोहर लगी है नाम लिखा हुआ है। तुम्हारे पापा का क्या नाम था? किशन पाल। तुम्हारा क्या नाम? अमरजीत। जनपद बदायूं में आज दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास थाना सिविल लाइंस के रसूलपुर निवासी कृष्ण कुमार, जिनकी उम्र लगभग 42 वर्ष है, आज अपने घर से अपने शरीर पर पेट्रोल डालकर और पुलिस ऑफिस में घुसे और घुसते ही गेट पर ही उन्होंने माचिस से अपनी आग लगा ली। जब इस घटना को देखा तो तत्काल हमारे कर्मचारी, स्वयं मैं और अन्य अधिकारी दौड़े और उनकी आग को बुझाया और बुझा करके उनको तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनको बरेली रेफर किया गया। बरेली में उनका इस समय इलाज चल रहा है। उनकी पत्नी और उनके पुत्र और उनकी लड़कियां आज यहां पर वर्षतकालियों से मिलने के लिए आई थी और उनको ये जानकारी नहीं थी कि उनके पति पीछे से आकर के इस प्रकार आत्महत्या का प्रयास करेंगे। वो यहाँ बैठी ही थी जब तक वो अधिकारियों से मिलती कि उनके पति पीछे से आए और उन्होंने इस प्रकार आत्महत्या का प्रयास किया। इस संदर्भ में उनकी पत्नी से जब वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि 23 अप्रैल को उनके खेत में आग लग गई थी, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी थी। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड ने पहुँच करके उनकी आग को बुझाया था। इसके बाद में गांव के ही 8-9 लोगों पर, जिन पर उनके शक था, जब उन पर शक जाहिर किया तो उन 8 लोगों ने इनका कहना था, इनकी पत्नी का, कि हमारे घर में आकर के हमसे मारपीट की। इस मारपीट के बाद उन्होंने 25 अप्रैल को थाना सिविल लाइन्स में 8 लोगों के, उन सभी लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था और उसमें लगातार कार्रवाई के लिए वो तत्कालीन चौकी इंचार्ज, वर्तमान चौकी इंचार्ज और प्रभारी निरीक्षक सिविल लाइन्स से मिल रही थी और आज वो वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी शिकायत करने के लिए यहाँ पे आई हुई थी। उन्होंने यह भी बताया कि इस प्रकरण में एक उनके विपक्षियों की तरफ से भी क्रॉस केस कायम कराया गया है। इस संदर्भ में
जो लापरवाही तत्कालीन चौकी इंचार्ज और वर्तमान चौकी इंचार्ज और बीट के आरक्षियों और प्रभारी निरीक्षक सिविल लाइन्स द्वारा बरती गई है, इस संदर्भ में उनको घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और उनकी विभागीय कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है जो इस प्रकरण में आगे की कार्रवाई करा रहे हैं तथा अपर पुलिस अधीक्षक नगर और देहात इस मामले की जांच करके आगे की कार्रवाई करेंगे। इस प्रकरण में शीघ्र ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।